स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करूंगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के ऊपर। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आप देखिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही बिना किसी कोचिंग की मदद से सेल्फ स्टडी से गेट, IAS, PSU, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है इसरो एग्जाम, उनकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में इसमें से हर साल एक क्वेश्चन में आता है, साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। और इस यूनिट का थर्ड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर जो है वो उनको देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अभी एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, दूसरा सब्जेक्ट जो है ये भी आपका चल रहा है अभी, और थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट जो है वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। मैं सभी सब्जेक्ट आपको दूंगा बिना किसी स्किप के साथ, मतलब कोई भी टॉपिक जो है हम स्किप नहीं करेंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बस उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करना ना भूलें। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। और ये जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, इस पर जनरली दो तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक तो सिंपल गियर ट्रेन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है आपका कंपाउंड गियर ट्रेन। तो ये सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है, इस पर भी मैंने एक एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, तो उन वीडियो लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा। तो एपी साइक्लिक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, एपी मतलब होता है एक्सिस और साइक्लिक मतलब होता है रोटेशन, मतलब एक्सिस के अराउंड रोटेशन। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये सिंपल गियर ट्रेन का अरेंजमेंट है। अगर मैं ये जो बीच वाली जो पट्टी है इसको हटा दूँ तो ये सिंपल गियर ट्रेन तरह लगेगा आपका। तो इसमें होता क्या है, ये जो इसका सेंटर है ये O1 है ना, तो एक गियर अपनी पोजिशन पर फिक्स होगा, आर्म जो है वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बी जो आपका गियर है उसके अराउंड जो है वो रोटेट होता है इस टाइप से 360 डिग्री। तो इट इज़ अ वेस्ट गियर ट्रेन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है मिनिमम जो है इसमें गियर्स जो है उनका अरेंजमेंट होता है, तो इसलिए इसको हम बेस्ट गियर ट्रेन बोलते हैं। घड़ी वगैरह में आप देख सकते हो और बहुत सी जगह इनका आप एप्लीकेशन देख सकते हो। तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं, एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, ये एक एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, एन आर्म कैरीज टू गियर, ये जो आर्म है ये दो गियर को कैरी कर रहा है ए एंड बी, ठीक है, हैविंग 30 and 45 teeth, जो ए गियर है इस पे जो है 36 teeth है और जो आपका बी गियर है इस पे 45 teeth है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें इस हिसाब से। इफ़ द आर्म रोटेट एट 150 rpm, अब ये जो आर्म आपका बीच में लगा हुआ है ना, अगर ये रोटेट करे तभी तो इसको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहेंगे हम, है ना। अगर मैं आर्म को फिक्स कर दूँ तो ये सिंपल गियर ट्रेन हो जाएगा, लेकिन आर्म भी रोटेट करेगा तभी हम इसको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन बोलेंगे। तो 150 rpm इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, इस चीज़ को याद रखना है। अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए, ये जो इसका सेंटर है इसके अकॉर्डिंग विच इज फिक्स्ड, और ये जो सेंटर इसका वो फिक्स है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर बी, जो बी है मतलब इसकी एन सी जो हम बोलेंगे इसकी स्पीड जो वो सॉरी एन बी जो है इसकी स्पीड आपको निकालना है। If the gear A instant of being fixed, जब जो आपका gear A जो है वो fixed होगा, तो हमने जैसा कि A जो है ये आपका A gear है, इसका center O1 है, ये arm है जिसको हमने C मान लिया, इसका center यहाँ पर arm का एक तरफ का O1 से connect है, ये B है यहाँ पर O2 से ये connect है arm का, ठीक है, तो इस type का ये arrangement है, इसे हम epicyclic gear train बोल रहे हैं। अब इसमें क्या क्या data given है उस चीज़ को हम देख लेते हैं, जैसे कि TA मतलब number of teeth on this 36, बी के ऊपर कितने टीथ हैं ये भी है, और एन सी मतलब है आपका आर्म का रोटेटर जो कि है 150 rpm। अब आपको इसमें कुछ कन्वर्जन जो है उन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या लेना है ये चीज़ आप देखिए जरा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम प्लस लेके चल रहे हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम माइनस लेके चल रहे हैं। अब आप बोलोगे कि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज को जनरली हम प्लस मानते हैं, तो आप अपोजिट भी कर सकते हैं, अपोजिट भी ऑल्सो टेक है ना, अगर आपको क्लॉकवाइज जो है अगर आप प्लस लोगे और एंटी क्लॉकवाइज आप माइनस लोगे तो भी आपका जो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो सही रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। आप जो भी कन्वर्जन लेना चाहो, साइन कन्वर्जन वो ले सकते हैं। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब बुक के अकॉर्डिंग लेना चाह रहा हूँ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बुक में प्लस दे रखा है और क्लॉकवाइज जो है वो आपका माइनस में दे रखा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे हम सॉल्व करेंगे। अब आपको अगर स्पीड निकालना है, किसी भी गियर की स्पीड निकालना है, तो जैसा कि N2 upon N1 क्या होता है आपका इसकी स्पीड, और N1 मतलब इसकी स्पीड, इस रेशो को ही हम स्पीड रेशो से भी डिफाइन करते हैं, जो कि इक्वल टू होता है TA upon TB। तो TA क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और A
और नंबर ऑफ टीथ ऑन बी, तो 36/45 ये आपका स्पीड रेशियो और ट्रेन वैल्यू जो रेशियो जो है हम इससे निकालते हैं। तो होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबुलर कॉलम मेथड जो है उसका यूज़ करना पड़ता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, तो उसको देखिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टेबुलर मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें इस टाइप के टेबल जो है वो ड्रॉ करनी पड़ती है, जो कि कॉमन है हर एक न्यूमेरिकल के लिए, जिसमें स्टेप दी हुई है कौन कौन से स्टेप्स आप चलोगे, कंडीशन ऑफ मोशन, किस टाइप की कंडीशन आप कर रहे हो, जैसे कि आप गियर ए को रोटेट करवा रहे हो, आर्म को रोटेट करवा रहे हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉल्यूशन देखना है। रिवॉल्यूशन मतलब वो घूमेगा वो, है ना, कितना घूमेगा, आरपीएम जनरली हम बोल सकते हैं, मतलब उसकी स्पीड। तो आर्म सी की, गियर ए की और गियर बी, तीन ही एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स की हम देखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले जो है फर्स्ट कंडीशन में हमें करना है आर्म फिक्स्ड, जो आपका आर्म है वो फिक्स्ड करना है, गियर ए रोटेट थ्रो प्लस वन रिवॉल्यूशन, मतलब हम एक ही रिवॉल्यूशन उसको घुमा रहे हैं। तो ये जो आपका आर्म है इसको आप फिक्स कर दोगे, इसको मैंने फिक्स किया और गियर ए जो है इसको रोटेट करवाऊँ, तो ये सिंपल गियर ट्रेन हो जाएगा, मतलब सिंपल गियर ट्रेन की तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो ए गियर है इसको घुमा रहे हैं। अब ए गियर जो है इसको मैं किस टाइप से घुमाऊँ, एंटी क्लॉक वाइज लूँगा, तो ये आपका प्लस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो मैं ए गियर को जो है वो प्लस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, मतलब इस टाइप से आप, है ना, घड़ी के अपोजिट, क्यों, क्योंकि मैंने इसको प्लस ले रखा है। आप एंटी क्लॉक वाइज भी घुमा, मतलब आप क्लॉक वाइज भी घुमा सकते हैं, उसको माइनस ले सकते हैं, तो कोई ऐसा है नहीं है इसमें। तो अब क्या करूँगा, इसमें देखो आर्म जो है इसको हमने फिक्स कर दिया, ए घूम रहा है जिससे कि बी आपका घूमेगा। तो इसमें आपको देखना है करना क्या है इसके अंदर, जैसे कि आर्म जो है वो आपका फिक्स है और गियर ए जो है इसको मैंने प्लस वन रिवॉल्यूशन दिया, ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में एक ही बार में घुमा दिया, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है। अब क्या करना है इसमें, इसमें ए जो है ऐसे कर लिया हमने, तो जो गियर बी है इसकी हम अगर मैं स्पीड को देखूँ कि इसकी स्पीड कैसे निकलेगी, तो एन बी अपॉन एन है, रेशियो होता है ना, जैसे कि यहाँ पर एन टू अपॉन एन वन लिख रखा है मैंने, तो एन टू की जगह मैं बी मानूंगा और वन की जगह ए, इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, समझना है, 36/45। अभी हम ये चीज़ वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, जब लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे तब लिखेंगे। तो यहाँ से हमें एन बी निकालना है, एन बी निकालना है, तो एन ए क्या है आपका प्लस में वन है, तो यहाँ पर इंटू करोगे प्लस में वन इंटू टी ए अपॉन टी बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एन बी को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, टी ए अपॉन टीबी, तो एन बी का रिवॉल्यूशन ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, ये आपका जो है इसमें आपको याद रखना है, देखो ये आपका एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है, ठीक है। तो हमने एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लिया, मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव लेके चले हम, लेकिन ये बी जो है आपका क्या करेगा, ये क्लॉक वाइज घूमेगा, तो क्लॉक वाइज को हम प्लस ले रहे हैं, वो माइनस ले रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना बेटा, भूलना नहीं, साइन कन्वर्जन जो है इनको याद रखना। तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों लिया, क्योंकि ये क्लॉक वाइज घूमेगा और क्लॉक वाइज को हम माइनस ले रहे हैं। आप अपोजिट कर सकते हैं, क्लॉक वाइज को प्लस ले सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज को माइनस ले सकते हैं, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम ही आएगा, ठीक है, मैं बुक्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो एन बी जो है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, एन बी की जो आ गई हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं हम टी ए अपॉन टी बी माइनस, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया। अब दूसरा आर्म फिक्स्ड, आर्म आपका फिक्स्ड है, आर्म में कोई चीज चेंजेस नहीं किए, गियर ए रोटेट थ्रू आउट प्लस एक्स डायरेक्शन, यहाँ पर तो वन है, प्लस एक्स मतलब दो तीन चार पाँच ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जीरो, क्योंकि आर्म का कोई रोटेशन नहीं है, इसको हमने प्लस एक्स डायरेक्शन दिया, ठीक है। तो प्लस एक्स मतलब ये वही चीज़ समझना है आपको, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। देन अब बी का सेम टू सेम वैसे ही निकाल लेंगे, तो बी का क्या होगा, बस इसमें यहाँ पर माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी जुड़ जाएगा, ये पूरा पोर्शन तो आपका वही रहेगा ना, माइनस एक्स मतलब ये प्लस एक्स है यहाँ पर और ये माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम जो है गियर बी जो है इसके रिवॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि कितना आरपीएम से रोटेट हो रहा है, ठीक है। जब हमने एक्स को इतना दिया तो बी कितना रोटेट होगा, तो उसके रेट डिफरेंस में भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने वन दिया तो गियर भी कितना रोटेट हुआ, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर मैं आर्म जो है, ये जो आर्म है
इसके रोटेशन को भी कंसिडर करूँ तभी आपका जो है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होगा। जो आपने इन दोनों का निकाला, इस चीज़ को आपको समझना है, जैसे कि पहले हमने इंडिविजुअली निकाल लिया, अगर हम इस आर्म के रोटेशन को प्लस कर दें, इसके साथ ऐड कर दें, है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है टोटल का रेवोल्यूशन आ जाएगा, पूरा जो है गियर ट्रेन का रेवोल्यूशन आ जाएगा आपका। तो इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कि आपका जो आर्म है ये आपका एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज में, तो ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो उसको हमने प्लस ले रखा है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको इसको प्लस लोगे तो माना कि ये जो आपका आर्म है ये प्लस वाई डायरेक्शन जो है, मतलब प्लस वाई जो है रोटेट हुआ, मतलब इतना रोटेट हुआ, ठीक है। प्लस वाई का मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे, जैसे एक्स का लिया वैसे हमने आर्म के रिस्पेक्ट में प्लस ले बाय ले लिया, ठीक है। और प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमें सब में जोड़ना है, प्लस इसमें जोड़ देना है बाय, प्लस इसमें जोड़ देना है, ठीक है, मतलब गियर ए को प्लस कर देंगे, गियर बी को प्लस कर देंगे, तो टोटल मोशन कैसे निकालेंगे, ये तो आपका प्लस बाय ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स प्लस बाय, ठीक है, या बाय प्लस एक्स भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो है आपका हो जाएगा बाय माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी, होप आपको समझ में आ गया हो। अगर हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए, बाय की वैल्यू मिल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, गियर ए की स्पीड, गियर बी की स्पीड, इन सब की स्पीड जो है हम वो निकाल सकते हैं, होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें एक्स और बाई की वैल्यू जो है वो फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस चीज को आपको समझना है, हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज गिवन देगा आपको। तो आपको आर्म जो है इसकी स्पीड दे रखी है, आर्म एन सी जो है इसकी स्पीड कितनी है आपकी 150 rpm, ठीक है, 150 rpm। तो आर्म ये सी है, इसको हम बाय मानना है ना, तो बाय की स्पीड जो है आपकी कितनी दे रखी है 150 rpm, 150 rpm, और ये प्लस है, इस चीज को याद रखना, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये जो गियर ए है आपका, गियर ए में अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे टोटल ये ले लिया हमने, है ना, टोटल मोशन। अब गियर ए की मैं बात करूं, तो गियर जैसे एन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लेकिन एन ए जो है आपका, अगर मैं टोटल मोशन में देखूं, तो एन ए जो है, ये गियर ए जो है आपका, ये तो फिक्स्ड है ना, जब टोटल मोशन की हम टोटल गियर ट्रेन की बात करेंगे तो ए का मोशन तो फिक्स होगा ना, ये तो इंडिविजुअल मोशन है, तो गियर ए के रिस्पेक्ट में इसको हम जीरो मानेंगे, एन ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो में अगर मैं यहाँ पर वाई का रख दूँ, वाई की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, जैसे कि एक्स प्लस 150 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी माइनस 150, और x की वैल्यू यहाँ पर 150 रखोगे और फिर आप यहाँ पर 14 रखोगे 50, तो ये पूरा जीरो आ जाएगा, वही कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना है, जो कि आरपीएम में निकल के आ जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल देखेंगे तो हम इंडिविजुअल आपका जो है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि इस टाइप से ये रोटेशन इसके हम डिफाइन करते हैं। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ बी। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है आपको कि ये जो है ना, यहाँ पर इंडिविजुअल मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पर टोटल देख रहे हैं, आर्म को भी प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक चीज़ें अलग होंगी, ऊपर की चीज़ें अलग होंगी, ऊपर आपका सिंपल गियर ट्रेन के रिस्पेक्ट में, नीचे प्लस गियर ट्रेन के रिस्पेक्ट में एपिसाइक्लिक, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बी जो है हम अगर निकालें, तो इसकी वैल्यू स्पीड ऑफ बी से निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, जैसे कि एन बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बाय माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी। तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू जो है वो हमारी 150, और ये माइनस और ये x, तो ये हो जाएगा प्लस 150। टी ए कितना है आपका 36, और ये हो जाएगा आपका 45, इससे आपका आ जाएगा प्लस 270 rpm। तो एन बी जो है इसका प्लस 270 rpm, तो एन बी प्लस 270 rpm का मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब है बेटा ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो एक्स आपका जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जो कि फिक्स है, और इसमें हमने इसको माइनस ले रखा है, ये एंटी क्लॉक वाइज जो कि प्लस है आपका, और ये क्लॉक वाइज में जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस आई एक्स की, मतलब ये स्पीड ऑफ किसकी है, इसकी
टोटल मोशन में अगर इसकी स्पीड हम देखें, अगर आर्म को अगर मैं नेगलेक्ट कर दूं तो इसकी स्पीड भी आप निकल सकती है ना, लेकिन जो कि फिक्स हमने कंसीडर कर रखी है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक सिंपल वे में इस न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश की है। इस टाइप से एक्स एंड वाई की वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम जो डिफरेंट नंबर ऑफ गियर हैं उनकी स्पीड निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कन्वर्जन का ध्यान रखना है। अगर आप लास्ट में जैसे कि क्लॉकवाइज को आप अगर प्लस लेते और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होता, ऐसा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम समझेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन वाला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है सिंपल गियर ट्रेन को हमने डिस्कस किया अभी तक। ठीक है, तो सिंपल गियर ट्रेन में कुछ नहीं होता, एक ही शाफ्ट पर जैसे कि एक शाफ्ट है उसके पास में एक शाफ्ट है, दोनों गियर अरेंज होते हैं और एक गियर दूसरे गियर को मोशन ट्रांसमिट करता है। एक एज अ क्या होता है आपका ड्राइवर और दूसरा होता है ड्रिवन। लेकिन अगर हम आर्म को अटैच कर दें और आर्म का भी रोटेशन देखें तो इसे हम बोलेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो होप आपको सब चीज़ें ईच एंड एवरी टर्म जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बेटर वे में इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ। स्टेबल को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आप देखते रहिए मेरे डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आप कमेंट्स करना ना भूलें, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट्स कीजिए। और आपका सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से कुछ होगा नहीं, उसमें सिर्फ आपको एक क्लिक बटन दबाना है, लेकिन उससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है जिससे कि मैं आपको और से वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।